इसको कहते हैं ये स्वागा, तो स्वागा में ये टांका जब इसमें हम लगाएंगे तब इसको मेल्ड हो जाएगा, या यहाँ पे इसको ज्वाइन हो जाएगा। ये लगने के बाद इसको ऐसा लगाना पड़ता है, इसको ऐसा लगा के फिर हम इसको, अब इसको फायर करेंगे। इसको फायर करने के बाद ये मेल्ड हो जाता है, तो मेल्ड होने के बाद इसको पकड़ जाता है। ये पहले दो पीस था, एक पीस ये एक पीस, अभी मैंने यहाँ पे जो फिक्स किया तो ये अभी जो ज्वाइन होने वाला मैंने टाँका लगा रखा होता है, अब ये पिघल के यहीं पे ये पकड़ लेता है। ये अभी ये ज्वाइन हो गया, जो ये ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ये स्वागा वगैरह का ये कुछ थोड़ा वो जंग जैसा लगता है, तो इसको साफ करने के लिए हम फिर एसिड प्रयोग करते हैं। ये सेल्फ जी, ये एसिड प्रयोग करते हैं, एसिड में डालने के बाद ये थोड़ा फिर इसका कलर आ जाता है, जो इसका नेचुरल कलर होता है, जो फायर करने में थोड़ा चेंज कलर होता है, फिर एसिड में डालने के बाद इसका जो वाइट स्पॉन ये आ जाता है। तो ये अभी एसिड में डाला, अभी ये फिर पानी है, ये पानी में डालने के बाद फिर इसको हम टच कर सकते हैं। अब इसको हम अब इसको थोड़ा एक ये जो थोड़ा काला दिख रहा है इसको हल्का सा इसको हम गर्म करके फिर इसको हम तेज आप में डालेंगे तो पूरा ऐसे सफ़ेद हो जाएगा। इसको हल्का अभी गर्म किया है, ये गर्म फिर इसमें ठंडा में डालने के बाद इसको जो फिर इसका कालापन नहीं हटता, इसलिए थोड़ा गर्म करना पड़ता है। ऐसे डालने से फिर थोड़ा सफ़ेदपन हो गया। अब इसको एक बार पानी में इसको डाल के थोड़ा साफ पानी में इसको धो के अब इसको फिर हम इसमें हम इसका पॉलिश के उसमें करेंगे, पॉलिश मशीन में डाल देंगे। Yeah.